इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। चंद आदमी जेराना गए, एराम बांधा तो एक साथी अपनी शिलवार उतारना भूल गया, ऊपर चादर बांध, चाद आया हल करा चुका बिल्कुल, फिर भी अगर वो नहीं उतारी तो दम पड़ गई। यानी चादर बांध रहा है उसको नीचे पता नहीं कि सिलवार है, याद ही नहीं आई उसको। अब इसका इलाज यही है ना कि 400 रियाल लगेंगे, इंशाल्लाह दिमाग ठीक हो जाएगा। मजाल है इंदा गलती करे, 400 रियाल को आपने रिजर्व देनी है ना 38 रुपए से, 40 हो गया 45, माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये मामूली बात नहीं है, ये यहूदी साजिश है जिसको लोग समझ नहीं रहे। उनने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की माशी हालत को इतना बर्बाद कर दो कि जिस तरह रशिया टूट गया था ये खुद बखुद टूट जाए, हमें जोर ही न लगाना पड़े, जंग भी न करनी पड़े। जब पैसे पले नहीं होंगे तो फिर यही होगा ना जी। ये उनकी एक साजिश है कि वो डॉलर को चढ़ाते जा रहे हैं, आपके रुपए को गिराते जा रहे हैं, उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है। यानी ये रियाल सिर्फ डॉलर में जो फ़र्क आया, ऐसे 780 अरब आप पर कर्जा पड़ गया है। बाकी है तकरीरें और बातें करना अलग है, प्रैक्टिकल तौर पर तो नऊज़ बिल्लाह तबाह हो रहा है। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करें, अल्लाह ताला उसको हर शर से महफूज करें। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनका क्या जुर्म है? वो यही जुर्म है कि अमन चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। من مكة حبيبي نوره سطع المدينة.